subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. आप सब लोग खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो हमारा शेयर है वो है G3 टेक्नोलॉजी। G-Tech के नाम से ये शेयर है। आज जो क्लोज़ हुआ है ये 10.08 रुपये पे ये क्लोज़ हुआ है। अच्छा, आज इस पे अपर कैप लगा है, इसके इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। इसकी वजह ये है कि इसने लेटर शेयर किया है, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका मर्जर हुआ, तो जो लेटर जो इसने शेयर किया वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा आप देखें, आज अपर कैप पे 10.08 रुपये पे अपर कैप लगा है, उसके बाद अभी कल जो क्लोज कल ओपन होगा तो जाहिर सी बात है इसके रेट ऊपर ही होंगे, तो आपको जिस रेट पे भी मिले आप बाय कर लें, फ़ायदा ही होगा, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लेटर जो इसने शेयर किया है उसके मुताबिक G-Tech जो है वो गनी केमिकल में मर्ज हो गया है और गनी केमिकल के नाम से ही अभी ट्रेड होगा। 2 तारीख तक ये G-Tech रहेगा और जो जिनके पास G-Tech के शेयर्स होंगे उनको 2 तारीख को जो है वो गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के शेयर मिल जाएंगे, यानी कि जिनके पास 1000 शेयर होंगे तो उन पर 300 शेयर जो है वो गनी केमिकल के मिलेंगे और गनी केमिकल का जो रेट होगा वो 37.55 रुपये के हिसाब से होगा, यानी कि 10,000 शेयर जिसके पास G-Tech के होंगे तो उसको 3,000 जो है वो गनी केमिकल के शेयर मिलेंगे जिसका ओपनिंग रेट होगा 37.55 रुपये। तो इसमें आपको फ़ायदा ही होगा अगर आप G-Tech के शेयर लेते हैं, जैसे 10.5 रुपये पे आप बाय करते हैं G-Tech को तो आपको गनी केमिकल के जो शेयर मिलेंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ओपनिंग ये 37.55 पे होगा तो ऐसी बात है जब ट्रेडिंग होगी तो थोड़ा सा ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। और जो अच्छा इसके जो बी राइट शेयर हैं G-Tech के उसमें भी आज इजाफा हुआ है, और लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप G-Tech को बाय करें, G-Tech बी शेयर को छोड़ दें, G-Tech को बाय करें, सुबह जितने भी मिलते हैं इसको बाय कर लें, और जो है इंशाल्लाह 2 तारीख तक ये ऊपर ट्रेड ऊपर भी जाएगा, और जो है आप इसको सेल नहीं कीजिएगा, आप जो है इसमें जब आप 2 तारीख को गनी केमिकल के जो शेयर्स होंगे आपको एज अ बोनस के तौर पे आप समझने मिलेंगे, उसके रेट भी ज़्यादा होंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। होल्ड अगर आप शेयर को करेंगे ना, अगर जिस भी शेयर को आप होल्ड रखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही देगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये तो देखें आपकी अभी शुरुआत होगी और आगे इंशाल्लाह जो है ये रेट इसके और भी आगे जाएंगे, और जो है G-Tech में एक वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट होता था, एक अच्छा स्क्रिप्ट है G-Tech, तो इस हिसाब से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी वक्ती तौर पे भी आपको बेनिफिट अच्छा देगा और लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगा, हो सकता है गनी केमिकल जो है वो आगे जाके बोनस शेयर भी दे तो वो भी आपके पास ऐड होंगे, तो इससे जो है इंशाल्लाह कंपाउंडिंग के ज़रिए जो है ना आपकी अमाउंट ग्रो करेगी। तो मेरी राय है कि इस शेयर में आप जो है वो होल्ड रखें, कल आप इस शेयर में एंट्री लें, अगर आपने आज ख़रीद लिया तो लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगा, हो सकता है गनी केमिकल जो है वो आगे जाके बोनस शेयर भी दे तो वो भी आपके पास ऐड होंगे, तो इससे जो है इंशाल्लाह कंपाउंडिंग के ज़रिए जो है ना आपकी अमाउंट ग्रो करेगी। तो मेरी राय है कि इस शेयर में आप जो है वो होल्ड रखें, कल आप इस शेयर में एंट्री लें, अगर आपने आज ख़रीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, आज जिसने ख़रीदे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और कल भी आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, कल भी मौका है सुबह के टाइम आपके पास, कल इसमें एंट्री लें और इसको सेल नहीं कीजिएगा, प्रॉफिट के लिए इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही देखे जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिससे आपके प्रॉफिट में इजाफा होता रहे। इंशाल्लाह अगले शेयर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।